गुड आफ्टरनून बच्चे। अरे आवाज आ रही है ना, सुनाई पड़ रहा है बच्चों को? गुड गुड आफ्टरनून सर। सर आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जस्ट एक मिनट वेट कर लो, सबको ज्वाइन कर लेने दो। सब लोग आ गए ना, गौरव आ गया, नेहा आ गया, ओमकार आ गया, प्रांजलि, सब लोग आ गए, आ गए आ गए आ गए, सभी लोग आ गए। ऐसा है, दो चार क्वेश्चन है, पहले इसको करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और आपको इसको करना है और आंसर बोलना नहीं है, आंसर चैट के थ्रू मैसेज करना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें से रैंडम दो चार क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इसको। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट याद है ना, रूट अंडर एन इन टू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। और चैट में आंसर बताना है, चैट करना है, आंसर बोलना नहीं है, मैसेज करना है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा है ना सबने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम हो तो रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन होता है ना। अभी तक आया नहीं कोई आंसर। जल्दी से आंसर करो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सब भूल रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन होता है, याद है या नहीं? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पीरियोडिक टेबल में यूज किया होगा कहीं पे, जहां पे एन क्या है,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब जल्दी से बताओ, अभी तक दो बच्चों ने आंसर किया है और सबको नहीं आंसर करना है, आंसर सिर्फ मुझे करना है। एवरीवन आंसर कर दोगे तो जनता देख ही लेगी ना। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे ने सही बताया है, प्रतीक्षा ने भी सही बताया। गौरव, गौरव कुंभरवार और प्रतीक्षा, ये दो बच्चों ने सही बताया। टाइम अप, बहुत हो गया। इसका आंसर होगा वन। अरे भाई, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं जानता? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल था, ये 3d5 4s1, तो इसलिए Cr+2 क्या हो जाएगा, दो निकल जाएंगे तो रह जाएगा केवल 3d4 3d4, और 3d4 में सभी फोर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। तो जब सभी फोर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो μs इज इक्वल टू रूट अंडर 4 × 4+2 बोर मैग्नेटॉन, रूट अंडर 24 बोर मैग्नेटॉन, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 हो जाएगा। 25 होता तो 5 होता। चलो एक और कौन सा क्वेश्चन है, आंसर करो। और इसका आंसर प्राइवेटली मुझे करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ल्यूटेशियम में कितने कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये एटॉमिक नंबर होता है और ये मास नंबर होता है। सभी लोग फटाफट आंसर करो इसको, प्राइवेटली मुझे मैसेज करो। कुंभरवार ने बताया है आंसर एक, और कोई? Answer it fast. टाइम अप। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इन बच्चों को। गौरव कुंभरवार का ये आंसर भी सही है, बाकी सब गलत है। और स्वाति बाद में ठीक किया है स्वाति ने। अरे बाबा, एटॉमिक नंबर
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नहीं रिप्रेजेंट करता? क्या तरीका है? और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है तो न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तभी तो न्यूट्रल होता है। यानी कि प्रोटॉन हो गए 71, तो 71 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और मास नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ये एन प्लस पी होता है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 71 दे रखा है। डिफरेंस लोगे तो 104 आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, बीच में है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक ही है जिसमें 71 दिख रहा है। पता नहीं क्या पढ़ते हैं, क्या याद रखते हैं आप लोग। गौरव ने दोनों आंसर सही किया है, बाकी सभी लोग, एक स्वाति ने भी इसको सही किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डाइपोल मोमेंट? अभी अभी करंट में पढ़ रहे हो, इसमें एक एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सभी का डाइपोल मोमेंट जीरो है। इसमें एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल से शायद आप फेमिलियर नहीं है अभी, इसलिए मैं उसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। हालांकि उसका स्ट्रक्चर जाने बिना भी इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। आपको बताना है वो मॉलिक्यूल जिसमें सभी का डाइपोल मोमेंट हो जीरो, यानी सभी नॉन पोलर हो। नेहा फर्स्ट वाला क्वेश्चन अब बाद में देखना, अभी जो चल रहा है पहले उसको देखो। अभी केमिकल बॉन्डिंग जितना आपने पढ़ा है उतने से इसको आंसर किया जा सकता है। इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सभी मॉलिक्यूल जीरो डाइपोल मोमेंट मतलब नॉन पोलर हैं? अरे सॉरी, 13 ये नहीं होगा, ये 14 था अभी जो मैंने लिखा था। 13 होगा ये वाला, ये होगा 13 और 14 होगा ये वाला, दूसरा वाला। ये 1.3 डाइक्लोरोबेंजीन है। और ये 1.4 डाइक्लोरोबेंजीन है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक अभी आपने नहीं पढ़ा है। जल्दी से ट्राई करो। डाइपोल मोमेंट जीरो, इसमें कौन सा ऑप्शन में सभी का डाइपोल मोमेंट जीरो है? गौरव आंसर बताओ, सोच समझ के, लेकिन जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगे तो लगे, लेकिन सही आना चाहिए। सो गया सब? नेहा का आंसर आ चुका है, देखते हैं और कितने लोग। नेहा का तो आज नेटवर्क ही लगता है डिस्टर्ब है। बार बार उसका टूट रहा है कनेक्शन। और कोई? कुंभरवार गौरव का भी आ गया, दो बच्चों ने आंसर कर दिया।
देखते हैं, 15 सेकंड और मैं वेट करूंगा, बस 15 सेकंड। प्रथमेश का भी आंसर आया। टाइम अप। नेहा और गौरव ये दोनों सही आंसर बताया बच्चे ने, गॉड ब्लेस यू बच्चे। ये होता है ध्यान से पढ़ाई करने का फायदा। स्वाति ने भी सही आंसर किया। अब सुन लो जरा, यहां देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता है। एचएफ नॉन पोलर होगा क्या? अरे तो स्ट्रांगली पोलर होगा, एक ही बॉन्ड है इसका, तो डाइपोल अभी अभी पढ़ा है आपने, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये नहीं हो सकता आंसर। सेकंड में देखो, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, वाटर, ये सब मालूम हो ना मालूम हो, लेकिन ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि 1-3 वाला पोलर है। अरे बाबा, ये 1-3, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, अगर अगर 180 पे नहीं है तो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट जीरो तो नहीं होगा। तो पूछ रहा है कि किसमें सभी नॉन पोलर है, तो ये तो पोलर हो ही गया, इतना तो दिख ही रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये वाला देखो, इसमें सब आपको पता था, बोरन ट्राईफ्लोराइड नॉन पोलर, याद है क्या? बोरन ट्राईफ्लोराइड नॉन पोलर अभी अभी हमने पढ़ा है, ये सब कैंसिल हो जाते हैं। बेरिलियम डाइफ्लोराइड भी नॉन पोलर होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये 180 डिग्री पे हैं दोनों। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने देखा था नॉन पोलर, देखा था कि नहीं, लीनियर है ये। और ये 1,4-dichlorobenzene, ये वाला देखो, 1,4 में 180 डिग्री पे आ गया, ये जीरो हो जाएगा, तो थर्ड हो जाएगा आंसर। गौरव के अभी तक तीनों आंसर सही हैं, गौरव कुंभरवार के, बाकी स्वाति के दो सही हैं, नेहा ने तो आंसर ही एक ही किया है, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये रिपीट हो गया, रुको रुको रुको, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 ना, हाँ 2-4 रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टी का, ध्यान से आंसर करो जरा। क्वेश्चन नंबर 5, मैच करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। लास्ट में बताया था आपको मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के प्रॉपर्टी, एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी। गौरव के आंसर आ चुके हैं, और कोई जल्दी से, ये तो इजी है, इजी या डिफिकल्ट क्या करेगा, पढ़ता ही नहीं है सब, तो ये तो हाल है लाइव क्लास लेने का, पता नहीं वीडियो क्लास में क्या करता होगा सर। स्वाति ने आंसर किया, प्रतीक्षा ने किया, वेदांत ने किया है। गौरव कुंभरवार का आंसर फिर सही है, प्रतीक्षा सूर्यवंशी का आंसर सही है, बाकी सब लोग गलत हैं।
इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है, नेहा का भी सही हो गया। अब कैसे बताऊं हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के बताऊं कि देखो भगवान राम है मेरे अंदर। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ये सब अभी नहीं बताया था पीरियोडिक टेबल में, और कुछ नॉन मेटल का ऑक्साइड न्यूट्रल होता है। तो बेरियम ऑक्साइड बेसिक होगा, इसमें क्या शक है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, आपको मैंने बता रखा है चार ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होगा। याद रखना CO, NO, N2O एंड H2O, ये जो चार ऑक्साइड है ये न्यूट्रल होते हैं, मैंने बता रखा है ये सब, ये न्यूट्रल होते हैं। मेटल के ऑक्साइड से भी बेसिक होते हैं, पेपर एक्सप्लेन चालू आ है एग्जाम्पल, ये क्या है। ये न्यूट्रल होते हैं, और इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं, दे आर ऑल एसिडिक, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल बेसिक। ये सभी अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लास्ट वाले लेक्चर में मैंने कराया था, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल बेसिक। एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, टिन के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड और एंटीमनी के ऑक्साइड, पांच मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब उसके पास एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसको सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये सिल्वर का एटॉमिक मास यहां पे हिडन है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 108 होता है सिल्वर का एटॉमिक मास। बताना इसमें किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी से आंसर करो, नंबर ऑफ एटम्स किस में सबसे ज्यादा है, which has maximum number of atoms। नेहा ने आंसर कर दिया, शुभम ने आंसर कर दिया है, बाकी लोग, गौरव ने भी आंसर कर दिया है, गौरव माने ने भी आंसर कर दिया।
वेदांत रावते ने भी कर दिया, स्वाति ने भी कर दिया है। सो टाइम अप। अगर इसको भी गलत करते हो तो डूब मरने वाली बात है। नंबर ऑफ एटम्स, अरे बाबा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मास अपॉन मोलर मास करके उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे आएंगे। इसलिए मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1/24 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ऑक्सीजन के एटम, मॉलिक्यूल नहीं, तो ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे 1/16 O2 से नहीं, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे इनटू एवोगाड्रो नंबर। या चाहो तो पहले मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, तो 1/32 करोगे, फिर इनटू 2 करोगे नंबर ऑफ एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर, बात एक ही होगा। 1 ग्राम लिथियम 1/7 इनटू एवोगाड्रो नंबर, और 1 ग्राम सिल्वर 1/108 इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब इतना भी अगर नहीं सिखा पाया मैं आपको पिछले 5 महीने में 4 महीने में, देन इट्स नॉट वर्थ स्टडिंग, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लार्जेस्ट क्वांटिटी, गौरव कुंभरवार ने सभी आंसर सही किए, नेहा ने भी जितने किए सही किए हैं, बाकी सब ने कम ज्यादा किए हैं, किसी ने कम किए किसी ने ज्यादा किए हैं। अच्छा मालूम है ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं, किसी ने गेस किया क्या, गेस करो मैंने क्यों कराया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कल के पेपर में आए थे, कल के पेपर में आए थे। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरे बच्चे तो इसको हवा की तरह उड़ा देंगे, टक 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 सब आंसर कर देंगे। मुझे क्या पता था मेरे बच्चे ही उड़ने लगेंगे, ऐसे मत करो यार, ये तो इजी इजी क्वेश्चन था। आपके सिलेबस से कुल अभी जितना आपने पढ़ा है 6-7 क्वेश्चन था, जो जो मुझे दिखा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है किसी को, थोड़ा बहुत कि भूल गया सब। एक और क्वेश्चन था वो मैं टाइप नहीं किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन था टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल, ये था क्वेश्चन। ऑप्शन थे Hg+, हाइड्रोजन, Na+, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। सोच समझ के आंसर करना, नहीं तो बस घर पहुंच के पिटाई शुरू कर दूंगा। गलत आंसर नहीं चाहिए इसका मुझे। गौरव ने आंसर कर दिया है, देखते हैं। और गौरव बेचारा आया भी लेट था, ये तो लेट ज्वाइन भी किया है, हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था इसने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ गया था।
आंसर करो इसको भी, सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया है। बाकी सब कहाँ है पता ही नहीं है। ऐश्वर्या एब्सेंट है क्या आज? अच्छा, हाँ सर। टाइम अप। गौरव कुंभरवार इस बार भी सही है। अरे बाबा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोर मॉडल लगता है, एन ए प्लस में वन इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिख रहा है सबको? हद होती है, क्या पढ़ते हैं। एन ए प्लस में वन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे 10 बचेगा, बाकी सब में वन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, प्लस वन का मतलब एक रह गया। हाइड्रोजन तो है ही वन इलेक्ट्रॉन, और ड्यूटेरियम में भी वन इलेक्ट्रॉन होगा। ये मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से आता है, इससे आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, इसमें अभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन है, एक न्यूट्रॉन आ गया तो मास नंबर 2 हो गया। थोड़ा मेहनत करो बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं था, ये फिजिक्स पार्ट में था। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ऐसे ऐसे तीन चार क्वेश्चन फिजिक्स में थे जो केमिस्ट्री में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आंसर कर सकते थे। और ये फिजिक्स का लास्ट टॉपिक होता है 12th क्लास का, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चे और टीचर दोनों थक जाते हैं, और टीचर कहता है कि ये तो केमिस्ट्री वाला पढ़ाया ही होगा, और केमिस्ट्री में ये सब पढ़ाते नहीं है शुरुआत में, कहते ये तो फिजिक्स में होता है क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है। तो कौन अपना नाम खराब करता है डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ा के? बच्चा कहेगा समझ में नहीं आता सही सर क्या पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें एक एक क्वेश्चन में अपने क्लास की रिफ्लेक्शन दिखेगी कि इसमें ऐसा कुछ मुश्किल बातें नहीं थी। थोड़ा तो मेहनत करो, अभी टाइम बहुत है, बहुत सुधार किया जा सकता है। गौरव ने अच्छा किया है। मेरे दो तीन स्टूडेंट्स जो इस बार एग्जाम दिए उनसे बात हुआ है, वो सब बाहर के बच्चे हैं, सब बाहर गांव के बच्चे हैं, सब कुछ नागपुर के हैं, कुछ नासिक के हैं, सब 165 क्रॉस कर रहे हैं केमिस्ट्री में। पूजा एक लड़की है नागपुर की, उसकी 165 आ रहे हैं। एक सौरभ लड़का है नासिक का, उसके तो 170 के करीब जा रहे हैं। और ये तो दो चार पांच बच्चों से मैंने बात किया है, कम से कम 10 ऐसे होंगे जिनको मैंने पढ़ाया था इस साल जहाँ मैं काम करता था, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल का रिपीटर बैच को सिर्फ मैं ही ले रहा था। वो सब रिपीटर स्टूडेंट थे, क्योंकि रिपीटर को पढ़ाने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। रिपीटर बच्चा जो होता है वो बहुत सयाना बच्चा होता है, वो सब कुछ पढ़ के आया होता है। तो आगे बढ़ते हैं, सोचा मैंने कि थोड़ा सा आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आपको कुछ एहसास दिलाऊं कि थोड़े सीरियस हो जाएं अभी से तो अपना भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। बाकी कुछ नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन सब जाना पहचाना। देखो ना, आप में से ये गौरव ने सब आंसर कर दिया, एक भी गलत नहीं किया। नेहा का ये लास्ट वाला गलत हो गया, बाकी उसने भी सही किया सर, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेहनत से फर्क कर सकते हो बच्चे, मेरे तरफ से फर्क नहीं हो सकता है।
सूरज से रोशनी तो एक ही सोर्स से निकलती है, किसी को धूप लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है। ये डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से लेते हैं सनरेज को, और उसी तरह से वो इफ़ेक्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, इससे सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब अच्छा करोगे तो एप्रिसिएट भी करूँगा, और जब अच्छा नहीं करोगे तो डांट भी लगाऊंगा। सर थर्ड वाला क्वेश्चन फिर से एक बार लाओ। ये लो थर्ड वाला क्वेश्चन बेटा, ये देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव डाइपोल मोमेंट जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो का मतलब नॉन पोलर ना, अभी 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 वही हम पढ़ ही रहे हैं, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। और इसमें देखो थर्ड वाले फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ये वाला, हाँ सर। अरे बाबा इधर देखो, ये जो लिखा जाता है ऐसे, ये एटॉमिक नंबर होता है, कई बार हमने लिखा होगा C14 लिखा है कि नहीं, ये एटॉमिक नंबर होता है, और ये इसको मास नंबर बोलते हैं, ये होता है मास नंबर, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बताता है, और ये बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही बोलते हैं ना एटॉमिक नंबर। और अगर एटम न्यूट्रल है, यानी कि एटम पे कोई चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, तो जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तभी तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस वन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस वन होता है, तो नेट जीरो हो जाएगा। इसलिए 71 प्रोटॉन, 71 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 175 माइनस 71 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है मास नंबर, तो मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 104 हो जाएगा। अब समझ में आया प्रतीक्षा को, आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो ठीक है, हाँ। तो मेहनत करेंगे थोड़ा सा, पॉजिटिव स्पिरिट के साथ मेरी बातों को लेंगे, ये नहीं कि सर ने डांट दिया, मैं आज नहीं डांटूंगा तो फिर कल आपका भविष्य ठीक नहीं होगा ना। तो थोड़ा मेहनत करेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए थे उनके लिए जो पढ़ के गया था, जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको थोड़ी इजी लगेगा, कोई भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, अरे कहाँ से आ गया, क्या आ गया, तभी तो 165-170 मार्क्स ला रहे हैं मेरे बच्चे, ऐसे थोड़े ला रहे हैं, मेहनत किया ना, बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत करके आंखें जलाई तब नंबर आएगा ना, एक ही बार तो करना है बेटा लाइफ में मेहनत, फिर तो पूरा लाइफ मज़ा करना है, एंजॉय करना है, और नहीं तो फिर पूरा लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी अगर अभी एंजॉय किया तो। तो आगे बढ़ाते हैं अपना बॉन्डिंग को थोड़ा सा, केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग में हम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल तक पहुंच गए थे, पोलैरिटी वगैरह देख रहे थे, था ना। तो अगर अब आपसे कहा जाए CF2Cl2 CH2Cl2 CCl4, इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, लिस्ट पोलर से मोस्ट पोलर जाना है, जल्दी से ट्राई करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में इनको अरेंज करना है।
किया बच्चों ने? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, कर रहा है सब कि सो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी थ्री टू वन। नहीं गौरव, ये रॉन्ग है। थ्री का मिनिमम है ये तो श्योर है, थ्री का तो जीरो ही होगा ना बच्चे। थ्री वन टू, नेहा सही है, बिल्कुल सही बेटा। थर्ड का तो जीरो ही होगा, ये तो हमने किया भी है शायद। थर्ड में तो सारे कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंगल पे चार इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर हो तो लैमिज थ्योरम सीधा सीधा लगा सकते हो। मैंने आपको रिजल्टेंट निकालना भी सिखाया कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट इधर जाएगा, दोनों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, 180 पे होगा, जीरो हो जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद बात रही इन दोनों की, शायद ये दोनों पेयर मैंने किया था पिछले क्लास में। अगर हम CF2 Cl2 लेते हैं तो फ्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इसका वेक्टर इधर रहेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर से पास करेगा दोनों के बीच से। कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इधर रहेगा, लेकिन CH3Cl के बीच में डिफरेंस कम होगा कंपेयर टू CF, इसलिए ये वाला वेक्टर थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा किससे? इससे। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होने के वजह से सब्ट्रैक्शन होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा और उसका डायरेक्शन भी होगा फ्लोरिन के तरफ। बताओ होगा कि नहीं? जबकि CH2Cl2 में दोनों रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा, ये H है और ये Cl है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट बीच से निकलेगा और इसमें कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच से जाएगा। और ये देखो ये दोनों कोलिनियर है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड हो जाएगा और एक बड़ा रिजल्टेंट मिलेगा। और इसलिए पोलैरिटी का ऑर्डर क्या हो गया? थ्री हो गया सबसे कम, फिर हो जाएगा वन और टू सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट वगैरह कंपेयर करते हैं। अब जैसा हमने कुछ आयन का स्ट्रक्चर वगैरह देखा था, आज फिर कुछ आयन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। एक आयन लेते हैं SO4 2-, ट्राई करो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, जरा मालूम करने की कोशिश करो सब।
कोशिश करो सभी बच्चे लोग। करें ट्राई आप लोग। सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है। इसको पहले कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे सल्फर प्लस दो न्यूट्रल ऑक्सीजन। अब प्लस दो ऑक्सीजन जिस पे चार्ज माइनस वन होगा। मुझे पहले ये बताओ ये मैंने क्या किया, ये समझ में आया सबको? आयन को ऐसे बिल्डअप, आयन को ऐसे बिल्डअप करते ना। अब सल्फर ऑक्सीजन वाले ही ग्रुप में है तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 2, 4, 5, 6। न्यूट्रल ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 होते हैं तो इसको 2 चाहिए, लेकिन एनायन के वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे, 7, उसको 1 चाहिए। तो यहाँ देखो एनायन को एक बॉन्ड बना देंगे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, एनायन से सिंगल बॉन्ड बना देंगे और न्यूट्रल से डबल बॉन्ड बना देंगे। बताओ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? Yes, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया सेंट्रल एटम पे, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आया। आया ना 4? यस सर। क्योंकि क्योंकि पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करना, सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, 4 ये है पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, तो इसलिए इसको नहीं काउंट करना। तो ईपी आ गए 4, और अगर ईपी आ गए 4 तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। सल्फर पे सल्फर पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं होता है तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप हो जाता है, और ज्योमेट्री तो इसका याद हो गया होगा अब तक कि इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। इतना एग्जाम्पल करने के बाद भी अगर ये याद नहीं होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। टेट्राहेड्रल, और इसका शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल को स्पेस में हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे किसी भी दो ऑक्सीजन, सभी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, कहीं भी दो पे रख दो नेगेटिव चार्ज, कहीं बना दो डबल बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जगह है, सब एक जैसे हैं, सारे इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो कहेंगे कि इट हैज टेट्राहेड्रल शेप। सही है ना बच्चे, इट हैज टेट्राहेड्रल। चलो एक और देखो, Io4- इसको क्या बोलते हैं, जरा नाम वाम भी पता होना चाहिए बच्चे। इसको बोलते हैं पर आयोडेट आयन, क्योंकि ये आया कहाँ से है, ये आया है HIO4 से, जिसको कहते हैं पर आयोडिक एसिड। जानते हो पर आयोडिक एसिड HIO4। तो पराइडेट आयन का शेप मान लो आपसे पूछा गया तो क्या बताओगे, ट्राई करना जरा, थोड़ा ऊपर लो ना, इतना पराइडेट आयन का शेप जल्दी बताओ।
आया। अरे क्या करने में लगा है सब, इतना सिंपल सा है। सेंट्रल एटम कौन, होगा सेंट्रल एटम कौन? टेट्राहेड्रल। हाँ बिल्कुल सही। टेट्राहेड्रल ही आएगा सर। हाँ टेट्राहेड्रल ही हाँ आएगा। इसको लिखेंगे आई प्लस थ्री टेट्राहेड्रल। ओ प्लस ओ माइनस, लिखेंगे कि नहीं? आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हेलोजन होता, न्यूट्रल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे सभी, जबकि ओ माइनस सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब आयोडीन के सभी इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो इसलिए आयोडीन पे ईपी, आयोडीन पे ईपी कितना हो गया? 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इसलिए कोई लोन पेयर बचा नहीं आयोडीन पे, इसलिए ये भी हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और इस तरह से तीन डबल बॉन्ड होंगे, कहीं भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड वाले पे माइनस रहेगा। ठीक, चलो तो ये इतना। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ खुद से ट्राई करने के लिए। सभी लोग इंटरनेट से कल का पेपर डाउनलोड करेंगे और उसमें से खुद से ट्राई करेंगे बिना कोई नोट्स देखे हुए कि बायोलॉजी में से 90 में से कितना क्वेश्चन आप कर पाए। पढ़ाना 4 महीने पढ़ा तो कुछ तो कर लिया होगा, और वैसे ही फिजिक्स में से भी ट्राई करेंगे। जैसे मैंने केमिस्ट्री में से 7 क्वेश्चन दिखाया, तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स में भी, और कम से कम तो 15-20 क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स में बायो में डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं, तो 15-20 क्वेश्चन बायोलॉजी में से होना चाहिए। नहीं होता है तो फिर सोचेंगे, चिंता करेंगे कि क्यों नहीं हुआ और कैसे उसको ठीक किया जाए। केवल हवा में पढ़ते रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे साथ रहोगे, मैं हर रोज जगाते रहूंगा कि क्या करना है कैसे करना है, तभी बात बनेगी। और अभी टाइम है जहाँ पे हम अपने आप में चेंजेज ला सकते हैं, हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। टाइम बीत गया एक बार, कुछ नहीं हो सकता फिर। चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।